49 गलत 49 होते हैं 52 होते हैं लेकिन 49 कहते हैं सब लोग। नहीं लिखा पढ़ा बताइए लिखा पढ़ा कितना 52 और सुना दीजिए उसका शुरू से आज से क्या तक छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटी छोटा आई ओ अंगा काका गगा अंगा चाचा दादा ये टा 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 अड़ा कोई भी जो है अभी तक इतनी शर्मनाक स्थिति बनी हुई है कि आज तक इतने बच्चे खड़े हुए हैं छोटा बड़ा नहीं बता पा रहे हैं बच्चे हैं और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं कक्षा 5 के बच्चे बैठे हुए हैं कक्षा कौन सी क्लास में हो 9 कक्षा 9 के बच्चा है 6 बता रहा है झूठ बोल रहा है ये छोटा बड़ा नहीं बता पा रहे हैं आने वाले युवा हैं ये क्या बताएंगे कोई नहीं बता पाएंगे। अब आप लोग बताइए कि किसको ये इनाम दे ही दिया जाए कंप्यूटर के जनक कौन है चार्ल्स बेबेज क्या नाम है चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज कितने प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया है 3 प्रश्न का उत्तर देने वाले क्या नाम है बेटा अभय द्विवेदी प्रश्न और पूछा जा रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे द्रौपदी मुर्मू श्री द्रौपदी मुर्मू पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके कितने प्रश्न सही हुए दो प्रश्न बाबा जी के सही हो गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आंसर को सही किया जाता है। हमारा देश भारत किस सन में जो है स्वतंत्र हुआ 1997 बताइए 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे हमारा देश क्या हुआ आजाद हुआ आजाद हुआ और पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हम क्या हो गए पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो गए। और ये बाबा जी ने जो है एक प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक और सही ढंग से बता दिया है। कितने प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं 3 अब बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है आखिरी प्रश्न और ये बहुत पुराने जमाने के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि आप लोग रामायण तो देखे ही होंगे रामायण के सभी पात्रों को भी जानते होंगे आखिरी प्रश्न जो है ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इसमें बताना है कि रावण के पिता का क्या नाम था रावण के पिता का क्या नाम था ये बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे दिमाग लगाइए बाबा जी आप तो रामायण देखते हैं पढ़ते हैं क्या विश्वेश्वरवा यस बाबा जी ने इस प्रश्न का भी उत्तर सही दे दिया है रावण के बाप का नाम विश्वेश्वरवा था और ये विश्वेश्वरवा के पुत्र थे और ये कौन सी जाति के थे ब्राह्मण के थे उत्तम कुल पुलस्त करनाती जी रावण के आज बाती बाबा जी के तालियां बजा दीजिए बच्चे बाबा जी ने जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है उत्तर दिया है और ये सुन के हमको बहुत ही हमारा जो है सीना बहुत ही आह्लादित हो गया प्रफुल्लित हो गया कि इतनी उम्र होने के बाद भी इनकी जो है याददाश्त क्षमता बहुत ज्यादा विकसित है और ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लगातार विद्या अध्ययन में है लेकिन ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। एक प्रश्न और पूछा जाएगा बाबा जी के लिए उसके बाद इनाम दे ही दिया जाएगा। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी दो तीनों के कौन कौन से लड़के थे तीनों का नाम बता दीजिए बाबा जी कौशल्या के राम कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और ये प्रश्न का भी उत्तर बाबा ने बहुत सही ढंग से दे दिया है। आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया 4 प्रश्नों का उत्तर बाबा जी ने दे दिया है 5 प्रश्नों का उत्तर बाबा जी ने दे दिया है और अब
अब बाबा जी को एक चमचमाता हुआ गिफ्ट इनाम दिया जा रहा है। बच्चे तालियां बजाइए। खोलो बाबा देखा जाए। अब आप ये बताइए बाबा जी कि आपको ये इनाम अच्छा लग रहा है कि इन बच्चों के सामने अब इसने क्या है ये मैं नहीं जानता। ये घर जा कर के खोलूंगा, इसको देखूंगा और बच्चों को अपने प्रेरणादायक बातें बताऊंगा कि ऐसे ऐसे समझो और देखो ये हम राह चलते हुए हम ये जीत कर लाए। और आप ये बताइए बाबा जी कि इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया जाए। यस यस नहीं नहीं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया जाए क्योंकि ये वीडियो इंटरनेट पे डालने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है बनाओ। तो आपकी इच्छा है कि इंटरनेट पे वीडियो डाल दिया जाए। ये बाबा जी की जो है बहुत बढ़िया जो है इन्होंने इनाम जीत लिया है। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ढेर सारा प्यार दीजिए। विश यू वेल, थैंक यू। मिलता हूँ पुनः एक नए टॉपिक के साथ, नए गुदगुदाते हंसते हुए प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।